ये लड़का साजिद है, हमारे स्कूल की कक्षा 2 का लड़का है। बच्चे ना करके बहुत जल्दी सीखते हैं, तो साजिद की दुकान है भाई अंडा की, अंडा बेचते हैं साजिद, और अंडे का रेट है 9 रुपया। तो दुकान पर बैठने की वजह से 9 का पहाड़ा इनको याद हो गया। हम लोग भी सिखाने के लिए ना बहुत सारी ऐसी ठोस वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जिनसे बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, और साजिद ने वैसा ही एक उदाहरण पेश कर दिया, 9 का पहाड़ा याद कर दिया अंडा बेचने की वजह से। कि साजिद को पता है कोई एक अंडा खरीद रहा है तो 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, कोई 2 अंडा खरीद रहा है तो 9 का पहाड़ा 2 चक्कर यानी 2 बार पढ़ेंगे, कोई 3 अंडा खरीद रहा है तो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो उसी से पहाड़ा याद हो गया साजिद के। चलिए देखते हैं साजिद कहीं हिसाब में गड़बड़ तो नहीं करता है, अपनी दुकान को घाटे में तो नहीं पहुंचा देगा कि 9 का पहाड़ा गलत पड़ गए, अंडा का रेट कम लगा के। पूछ लेते हैं इनसे। हाँ तो साजिद, एक अंडा कितने रुपए का है? 9 रुपए का। कैसे पता चला? और 2 अंडा कितने का होगा? 2 बार पहाड़ा पड़ा, 9 × 2 = 18। 3 अंडा कितने का होगा? 9 का पहाड़ा 3 बार पड़ेंगे, 9 × 3 = 27। 4 अंडा कितने का होगा? 9 × 36 का। और 5 अंडा? 45 का। 6 अंडा? 54 के। कैसे पता चला? पहाड़ा पड़े हैं, कोई 6 अंडा खरीद रहा है तो 9 का पहाड़ा 6 बार पड़ेंगे। 7 अंडा कितने का होगा? 63। 7 अंडा होगा 63 का। 8 अंडा कितने का होगा? 9 × 8 = 72। 8 बार पहाड़ा पड़ देंगे। 9 अंडा कितने का होगा? 81। ठीक। 10 अंडा कितने का होगा? 90 रुपये का। 9 का पहाड़ा बहुत बढ़िया तुमने याद किया यार, अपनी दुकान बढ़िया चला लोगे। तो फ्रेंड्स, स्कूल से वापस लौट आए और फिर आ गए किचन में। 2 ही काम है हमारे, एक तो ड्यूटी करना बच्चों को पढ़ाना, और दूसरा किचन में आके अपना खाना बनाना। तो खाने में आज क्या है, बैंगन लेकर आए, मास्टर साहब स्कूल से आते हुए रास्ते से ले लिए, और बैंगन का आज भरता बनेगा। जी ने हमारे क्या है, बैंगन नहीं आलू, आलू छीलना शुरू कर दिया, और तब तक मैं बैंगन धो के बैंगन काट लेता हूँ। ये वाला बैंगन है आज लंबे वाला, कई बार पहले हम गोल वाला बैंगन बनाते थे, गोल वाला भी बढ़िया लगे टेस्टी खाने में, तो आज बारी है लंबे बैंगन की, तो भैया धो लेते हैं पहले तो इन्हें। तो फ्रेंड्स, बैंगन एक एक करके मैंने धो लिए हैं, अब देख देख कर काट लूँ इन्हें, कहीं कोई काना तो नहीं है, बैंगन साफ़ सुथरे तो हैं सारे बढ़िया। तो फ्रेंड्स, बैंगन काट दिया मैंने, तो थोड़ा सा बैंगन ख़राब निकला बस, नहीं तो सारे बैंगन बढ़िया ही निकल गए हमारे, तो साफ़ सुथरे हैं बिल्कुल। और इधर मैं साहब ने आलू काटे, थोड़ा सा ही निकला बस, एक कटा हुआ डाल दो इसमें, एक साथ उबलेंगे दोनों, कह रहा था वो सही निकलेंगे बैंगन, पानी डालू इनमें थोड़ा सा, पड़ा है तो इनको रख देते हैं उबालने के लिए। ये आ गया यहाँ, एक सीटी आ गई है कुकर में, चढ़ा दिया था हमने आलू और बैंगन, इधर लहसुन छील दिया, लहसुन और प्याज में लगाएंगे तड़का उबालने के बाद, और मिर्च है उधर, मिर्च काट लेंगे, और जब तक ये उबले हमारे सब लगाएंगे तड़का इसमें सब्जी में, और मैं तब तक अपना आटा गूंथ लेता हूँ, रोटियाँ बनानी शुरू करेंगे। और बैंगन का भरता हम लोग बनाएंगे कढ़ाई में, यही हमारे पास एक लोहे की कढ़ाई है, इसमें बनाते हैं। और तड़का लगाने के लिए इधर लहसुन प्याज मिर्च ये सब काट ली, और इधर इस कटोरी में मेरे साहब ने मसाला निकाला है, सबसे पहले धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली इसमें, और थोड़ा सा मसाला भी डालेंगे, मसाला पाउच है मेरे पास, थोड़ा सा मसाला और नमक इसमें डाल के मेरे साहब ने कटोरी में, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे, और जब तड़का लगाएंगे तो इस घोल को उसी में तड़के में डाल देंगे हम लोग। और तेल इधर कढ़ाई में गर्म हो गया है, सबसे पहले इसमें जीरा डाल दिया, और ये डाल दिया गरम पत्ता, ये दोनों पक जाएंगे तो इसमें बाकी डालेंगे। इस तरफ हमने आलू और बैंगन जो उबाला था, पानी इसका निचोड़ देते हैं, और तब तक इसकी आंच थोड़ा सा धीमी कर देते हैं, और इसमें तड़के का सामान डालना हमने शुरू किया, सबसे पहले लहसुन, और लहसुन जब पक जाएगा तो इसमें प्याज डालेंगे, और प्याज और मिर्च एक साथ डालेंगे, बाकी बाद में इसमें सब्जी डाल देंगे, और मसाला उससे पहले डालेंगे। तो लहसुन थोड़ा लाल सा होने लगा, और अब जब लाल सा हो जाए तो इसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे, मिर्च भी है साथ में, थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाए प्याज, तो इसके बाद फिर इसमें मसाला डालेंगे। और इधर आलू और बैंगन जो उबाला था निचोड़ दिया, पानी निकाल दिया उसका, साथ साथ हमारा तड़का पक रहा है, और
इसके बाद मसाला डालने के लिए तैयार है हम लोग। मसाला पानी डाल के आज कर दी थी, इसमें डाल देंगे अभी मसाला। मसाला भी पकेगा, सब्जी अब डाल देंगे थोड़ा पानी का, ऐसे लीजिए पानी से बचा बचा के निचोड़ निचोड़ के पकाते हुए इसका पानी जला देंगे। तो बनने का सूखा हमारा बैंगन का रहता है, चावल बनाओगे तो चावल बढ़िया रहा है गुरु। सब्जी उधर हमारी बन ही गई थी और रोटियां बनाने शुरू कर दी इधर हमने। ये फाइनल रोटी है, आटा गूंथा था, रोटियां बना दी, ये रखी थाली में रोटियां, ये लास्ट वाली रोटी। ये बात ये बात फूली इस तरह से फूल के बने हमारे, आखिरी वाली दिखाई हमने फट गई, लेकिन भाप ज़्यादा बन गई थी तो फट गई। चावल में एक सीटी आ गई, चावल लग गया था हम लोगों ने, और बैंगन का भरता है बता रहे हैं, भरता इस तरह का हम लोगों ने, सही है मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सही है सही है। बाकी हम लोग खा के बताऊंगे, सही है ठीक है। चावल में दो सीटी आ गई, एक और आ जाए तो चावल भी पक जाएगा और रोटी हमारी वो है लगा लेंगे। चोखा है, एक मूली लाए थे, मूली भी काट लिया। चलो भैया अंदर अपनी चटाई पर, ये हो गया हमारा खाना, चटाई पर बैठ कर यहाँ खा लेंगे हम लोग। सब्जी होगी, मूली होगी, रोटियाँ हो गई और चावल इसमें है। चमचा है, चमचा घी लगा लें रोटियों के और खाना शुरू करेंगे। अब फ्रेंड्स डिनर हमारा तैयार है, लाइट चली गई यार, लाइट खैर थोड़ी देर के लिए गई थी, आ गई फिर से, और आ गई तो बढ़िया भी करा, साथ ले गया हमारा खाना। हम लोग शुरू करते हैं, टेस्ट लेकर बताऊँगा आपको कैसा बना हमारा ये खाना। वैसे देखने में तो आप लोग भी बता सकते हैं कि देखने में कैसा लग रहा हम लोग को ये चोखा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद ना आज तो सफाई भी कर दी मैंने अपने स्लैब पे, चूल्हा साफ कर दिया। बोला एक तो चूल्हा ना हम कई दिन में साफ़ कर पाते हैं, काम धाम ऐसा ही रहता है हमारा भाग दौड़ वाला। आज चूल्हा भी साफ़ कर दिया, स्लैब साफ़ कर दिया जहाँ पे खाना बनाते हैं, और बर्तन सारे धो के ऊपर रख दिए थे ये, तो साफ सफाई का भी काम निपटा दिया आज तो। कि हम नीचे यहाँ पर वाइपर और कर दूंगा किचन में, और बस सफाई का काम निपट गया।